हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ लास्ट वीडियोस में आपको फर्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर का कुछ आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। जितने आइडेंटिटीज आपको बताए गए हैं उसी पे बेस्ड होंगे, आइडेंटिटीज आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते करते आपके माइंड में आइडेंटिटीज मतलब फिक्स हो जाएगी, लर्न करने की रटने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए थे इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले जा रहा है x plus 1 upon x is equal to root 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया गया था जिसमें x minus 1 upon x दिया था 6 और इसकी वैल्यू पूछी गई थी x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये दिया गया है x plus 1 upon x is equal to 8, ये आपको गिवन है, ठीक है। if this is equal to root 8, find the value of this and this, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ देखना है x प्लस वन अपॉन x लिखा है, तो अगर इसका आप होल स्क्वायर कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए ये मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, गिवन है सिंस x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू रूट 8, ये आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ आप क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x plus 1 upon x का whole square is equal to root 8 का square, a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab। सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी है a plus b का whole square, a की जगह x है, b की जगह 1 upon x है, तो 1 upon x का square क्या होगा, 1 का square 1 और x का square x square, a square plus b square plus 2ab, तो x x कट जाएगा, इधर root 8 का square क्या होगा 8, यहाँ क्या बचा आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये 2 प्लस में है ना, इधर ये उधर गया माइनस हो गया तो क्या आ गया 6, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया आपका 6, ये पूछा था आपसे ये, ठीक है। अब दूसरा ये पूछ रहा है पावर 4, तो आप देख लो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x पावर 4 होता है, अगर x स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो 2 2 या 4 x पावर m, ठीक है, a पावर m पावर n, तो पढ़ो ना एक्सपोनेंट में, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, ये लाने के लिए आप इसका क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में है, तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस ये b है आपका, ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, फ्रेंड्स x स्क्वायर कट गया, यहां पे क्या है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 36 और 2 उधर गया तो माइनस 2, ये क्या आ रहा है 34, ये आ गया x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 टू 34, दोनों को ये पूछा था ये आया नेक्स्ट आपको ये क्या है 34, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है, ताकि आप किसी भी बुक से करिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोई एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, चलिए x स्क्वायर, तो दूसरे टाइप का ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 27, ये गिवन है आपका, अभी तक ये पूछता था क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या है 27, ये आपका दिया हुआ है, इफ दिस इज इक्वल टू 27 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड x माइनस 1 अपॉन x, ये फाइंड करना है आपको एंड एक्स माइनस वन पॉइंट, ये दो क्वेश्चन आपको फाइंड करने से, अभी तक ये देता था और ये पूछता था, अभी क्या किया, ये दिया है आपको, ये गिवन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन सिर्फ ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बेस्ड मिल रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इसी पे बेस्ड मिल रहा है, इसलिए बहुत सिंपल है, अभी आगे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो
तो अभी बिल्कुल सिंपल चल रहा है। देखिए क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखिए, गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसके, अभी आप क्या देख रहे हो, a प्लस बी फॉर्म में है, और ये देखो लिखा है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा और आगे प्लस 2ab आएगा क्योंकि प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आपको लाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए होल स्क्वायर पर, x प्लस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर, और उसकी ये वैल्यू चाहिए इसकी जगह इनपुट कर दो आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है, देखिए इस तरीके से करिएगा जो बता रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 2 ऐड करूँ, ठीक है, तो LHS में 2 ऐड किया तो RHS में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने अपने से क्या किया, इधर 2 ऐड कर दिया तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ा, आप इधर ही 2 ऐड करके इधर 2 माइनस भी कर सकते थे, तो मैंने क्या किया LHS और RHS में दोनों साइड क्या किया प्लस 2 ऐड कर दिया 2। ठीक है, अभी क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं ab अभी अपने आप देखो इसको मैं लिख रहा हूं x का होल स्क्वायर और ये है 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, तो a क्या है, a की जगह क्या है x और b की जगह पर क्या है 1 अपॉन x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आगे प्लस 2ab 2ab और इधर 29। देखिए अभी x x कट कर दोगे तो 2 बन जाए 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर यही है, इसका स्क्वायर यही है, तो ये पूरी जो 9 है पूरा यही लिखा है यही इसके साथ। ठीक है, ये और ये आपका क्या दोनों सेम है, मैंने किया क्या इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो a और b मिल गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने प्लस 2 लिखा था आगे a b लिख दिया, कट करोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो लिखा है ये पूरा ये क्या है, ये है x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, सही करिए x को समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x क्या आ गया, अगर यहाँ से आप स्क्वायर बनाओगे तो इधर क्या होगा रूट 29, ये आपसे पूछा गया था x प्लस 1 अपॉन x रूट 29 है, क्लियर है। ठीक है, इसको क्या किया वो स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा, मतलब क्या कि दोनों साइड आपने अंडर रूट ले लिया, इधर स्क्वायर हट गया इधर रूट हो गया। अब ये पूछ रहा है तो ये गिवन है ना, इसी से देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये आपको दिया था, और x माइनस 1 अपॉन x a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप यहीं पे देखिए क्या कर क्या कर रहे हैं x स्क्वायर ये माइनस 2 कर दिए दोनों साइड अपने से काट तो किया जाएगा, तो ये क्या है x स्क्वायर और ये 1 अपॉन x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab इधर 25। देखिए x x कट करोगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर ये इसका ये पूरी स्टेटमेंट यही है, तो ये मैंने क्या सेट कर दिया ये बन गया x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इधर आ गया 25, दोनों साइड रूट ले लीजिए अदरवाइज इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू रूट 25, तो क्या आ गया x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, वैसे रूट हटेगा तो प्लस माइनस 5 आएगा, क्लियर है, इसकी वैल्यू आ गई और इसकी भी। तो अगर ऐसे दिया है तो आप दोनों साइड जैसे ये पूछ रहा है तो प्लस 2 करो और वो पूछ ये माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस 2 करिए और फॉर्मूला सेट कर दीजिए, क्लियर है। ठीक है, पॉज करके भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी अगर किसी बुक से कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छा, उसके बाद दूसरे आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बताए जाएंगे।
आपको क्लोज देना है, सिंपलीफाई देना है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। तो एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं, क्या है सिंपलीफाई, ठीक है, सिंपलीफाई करना है। क्या सिंपलीफाई करना है, x माइनस, देखिए x बाई टू माइनस, ठीक है, टू बाई फाइव इंटू टू बाई फाइव माइनस x बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये क्वेश्चन। इसको आपको सिंपलीफाई करना है, ठीक है, सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या है, x बाई टू माइनस टू बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। सॉल्व करना है, क्या करेंगे देखो, यहाँ देखो a माइनस बी लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो b माइनस ए लिखा है। अगर दोनों जगह सेम होता a माइनस बी, a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, a माइनस बी और a b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी, b माइनस, देखो जो यहाँ है वो यहाँ पहले ये बाद में है। तो सेम करने के लिए क्या करें, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो बाहर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये है, तो प्रोडक्ट में माइनस बाहर आ गया। ये x by 2 minus 2 by 5, इसको आप लिख सकते हो x by 2 minus 2 by 5, और आगे minus x square plus 2x, ध्यान दीजिए, देखो minus plus minus 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 plus, इस ब्रैकेट्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो गया, माइनस देखो x by 2 minus 2 by 5, x by 2 minus 2 by 5 दो बार हो गया, दो बार अगर यही लिखा है मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसको x by 2 minus 2 by 5 का होल स्क्वायर, और आगे क्या है minus x square plus 2x, क्या बन गया a minus b का होल स्क्वायर minus, सॉल्व करिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखिए a minus b का होल स्क्वायर a square, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x square by 4, x का स्क्वायर x square, 2 का स्क्वायर 4 a square plus b square, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर और फाइव का स्क्वायर 25, माइनस टू ए बी माइनस टू ए और बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने ओपन कर दिया। और आगे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस प्लस माइनस 4 बाई 25, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 कट गया तो क्या आ रहा है 2x अपॉन 5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन 5 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही है। अब ध्यान दो x स्क्वायर वालों को साथ लिख लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी, ठीक है, क्या करना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा और ये, फिर एक्स वालों को लिख लो प्लस टू एक्स अपॉन फाइव और ये प्लस टू एक्स अपॉन फाइव प्लस टू एक्स, ये लिख लिया और ये बचा क्या माइनस फोर अपॉन 25, अभी क्या बचेगा माइनस फोर अपॉन 25, ठीक है, ये है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, इन दोनों में अगर वन फोर एलसीएम लोगे तो फोर वन या फोर, तो बचेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इन दोनों में 5 एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस 5 टू जा 10x और ये लास्ट में क्या है आपका माइनस 4 अपॉन 25, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो क्या है माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ 10 और 2 12 प्लस 12x अपॉन 5 और माइनस 4 अपॉन 25, ओके यही सिंपलीफाई, माइनस कॉमन लिए, दोनों ब्रैकेट सेम है, होल स्क्वायर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां सॉल्व के 2x अपॉन 5 आया, माइनस नंबर मल्टीप्लाई के माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आगे उतर गया दोनों, x स्क्वायर वाले को साथ में लिखे, फिर 2x अपॉन 5 प्लस 2x साथ में लिखे, लास्ट में है माइनस 4 अपॉन 25, इन दोनों में एलसीएम लिए 4, 4 1 जा 4 1 का मल्टीप्लाई और 1 4 जा 4 4 का मल्टीप्लाई, ये आया उल्टा लिखा हूं, ध्यान दीजिए 4 1 जा 4 तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 1 4 जा 4 तो आएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे
इन दोनों में एलसीएम है, यहाँ नीचे वन है तो फाइव, फाइव वन जाए फाइव कह रहा है, वन करके फाइव, फाइव टू जाए टेन एक्स, टेन टू ट्वेल्व एक्स हो गया अपॉन फाइव, ये लास्ट में माइनस माइनस प्लस चार एक पाँच एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो गया इसका सिंपलीफाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सॉल्व करते चलना है, आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए लास्ट में, इस वीडियो का लास्ट मुझे देखिए, m प्लस क्वेश्चन है, m प्लस n अपॉन सेवन का होल क्यूब, ठीक है, और m माइनस n अपॉन सेवन, ये दो क्वेश्चन मतलब ये सॉरी ये सिंपलीफाई करना है आपको क्वेश्चन, बस m प्लस n अपॉन सेवन ठीक है का होल क्यूब और m माइनस n अपॉन सेवन, ये क्वेश्चन इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करोगे, बहुत सिंपल है इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ m प्लस n अपॉन सेवन लिखा है, इसको आप लिख सकते हो m प्लस n अपॉन सेवन का होल स्क्वायर इंटू m प्लस n अपॉन सेवन, और साथ में लिखा है m माइनस n अपॉन सेवन, होल क्यूब था तो टू और वन, यहाँ पावर वन ब्रेक कर सकते हो ना, जैसे x क्यूब रहता है तो इसको x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो ना, बेस सेम है तो टू और वन थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये कर सकते हो, अब देखिए ये हमने कर दिया क्योंकि यहाँ इससे ये बना कि m प्लस n अपॉन सेवन का होल स्क्वायर, ये a प्लस b a माइनस b, इसका आइडेंटिटी है a प्लस b माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए ये है और बी ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या है आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब एन बाई सेवन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यही आपका आंसर है इसमें। क्या आंसर आ गया, एम प्लस एन अपॉन सेवन का होल स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 49, एम का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर 49, क्लियर है ये। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया, सेकंड एक्सरसाइज दूसरे आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपके ये दो तीन आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो गए, दूसरे आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में होंगे। ठीक है, थैंक यू।